लेकिन हमारे घर की जो पोजेशन थी वो दो साल बाद थी जब तक हमें पोजेशन मिली है तो घर के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ चुके हैं और इसमें एक अलग सी फीचर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसको नॉक करते ऑन हो जाती है जब आप नए घर में आते हैं तो एक इंस्पेक्शन होती है जब इंस्पेक्शन होती है तब आपको अगर कोई चीज ऐसी दिखती है जो खराब है जैसे यहाँ पे जब हम कनाडा आते हैं तो कितने सपने लेके आते हैं राइट अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आप सोचते होंगे कि यार मेरे कॉलेज के बाद मेरी पी हो जाए स्टडी के बाद मुझे जॉब मिल जाए अल्टीमेटली हम सोचते हैं कि एक घर बन जाए राइट तो ऐसा ही सपना मेरा भी था जब मैं एज ए स्टूडेंट आई थी कि स्टडी के बाद जॉब पी और घर फाइनली और ये सपना हमारा अब पूरा हो गया है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ अपनी अचीवमेंट फाइनली वेट इज ओवर वी आर हियर हमारा जो घर है उसकी पोजेशन हमें मिल गई है इसीलिए काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाई और आपने बहुत सी विशेज़ भेजी बहुत से मैसेजेस आए थैंक यू सो मच सो फाइनली आज हम अपने घर का होम टूर करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं कौन सी मुझे प्रॉब्लम्स आई और स्पेसिफ़िकली मुझे मॉर्गेज कितने की मिली क्योंकि कैनेडा में आपको पता ही है इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जा चुके हैं और अब इस घर की वैल्यू कितनी है आपने देखी होगी अगर मेरी ओल्ड वीडियो जब मैंने ये घर बुक किया था डेढ़ दो साल पहले वीडियो डाली थी और उसमें मैंने मैंशन किया था कि मैंने ये घर कितने का लिया है अब इस घर की कितनी वैल्यू है ये सारी चीज़ें भी डिस्क करेंगे चलो जी फिर करते हैं नए घर का होम टूर स्टार्ट बहुत पुराना एक ख्वाब था जिसे देख कर लगा नहीं था की पूरा होगा कभी पर अब जब तुम्हें देखता हूँ अपनी आंखों के सामने तो लगता है जैसे सपने सच में पूरे होते हैं सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंट्री करते ही यहाँ पे कनाडा के हर घर में यही होता है कि आपको एक वार्ड मिलती है तो उस शूज़ वगैरह रखने होते हैं शूज़ के साथ जब स्नो में आप आते हैं तो जैकेट्स वगैरह रखनी होती हैं और हमारा घर अभी अभी पोजेसन लिया है और हम अपार्टमेंट में रहते थे तो इतना ज़्यादा सामान तो था नहीं धीरे धीरे हम फर्निश कर रहे हैं सो so, यहाँ पे जो है शूज़ वगैरह रैक वगैरह आ जाएंगे जैकेट्स आप यहाँ पे टांग चुक टांग सकते हो और द बेस्ट पार्ट इज़ घर बहुत खुला है इतनी बड़ी क्लॉज है एंट्री पे बहुत बड़ी है तो आराम से आप कितना भी सामान रख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे गेस्ट का वॉशरूम है जो गेस्ट वॉशरूम होता है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है इसको हाफ वॉशरूम भी बोलते हैं उस... क्योंकि इसमें टब नहीं होता नहाने के लिए वॉशरूम के बाद एंट्री यहाँ से होती है तो ये एंट्री वे है इसके साथ ही हमारा यहाँ पे लिविंग रूम स्टार्ट हो जाता है ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए इसको बाद में कवर करेंगे तो ये है हमारा बड़ा सा लिविंग रूम बहुत बड़ा है और ये जो है पुराना हमारा सोफा फ़र्नीचर आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा घर में क्योंकि मेरे पास इतना फर्नीचर नहीं था हम लोग धीरे धीरे शॉपिंग कर रहे हैं तो उसको टाइम भी लगेगा घर को फर्निश करने में और मैं इतनी एक्साइटेड थी रिजिस्ट नहीं कर पा रही थी वीडियो डालनी है और आपके मैसेजेस भी बहुत आ रहे थे कि सैंडी वीडियो डालो हम वेट कर रहे हैं लास्ट वीडियो पर भी इतने कॉमेंट्स आए तो मुझे लगा कि भाई एक तो बना देते हैं फिर जब फाइनली घर फर्निश हो गया जब सारा सामान आ गया तो फिर एक दोबारा से बना देंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आप वीडियो में लिख देना अगर कोई मिस हो गया तो मैं उसमें सेकेंड वीडियो में कवर कर दूंगी राइट right? सो so, ये हमारा पुराना वाला सोफा दैट्स वॉट आई वो सही जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बनाती थी जनरली और ये मेरे प्लांट्स यहाँ पे रख दी ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की कि लिविंग रूम में छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं एस्थेटिकली बहुत अच्छी लग रही है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा घर में पूरी चारों तरफ से रोशनी आ रही है जहाँ आप देखेंगे खिड़कियाँ हैं बट हाँ खिड़कियाँ ज़्यादा होने की वजह से खर्चा भी ज़्यादा होगा ब्लाइंड्स उतने लगाने पड़ेंगे बट घर में फिर हवा क्रॉसिंग और ये सारी चीज़ें रोशनी से और अच्छा लगता है सो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ हम बाद में कवर करेंगे जब हम एंड में आते हैं लिविंग रूम के यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी बड़ी सी ये विंडो है और इसके सामने हमारा जो बैकयार्ड है वो दिखाई देता है नाव ये जो घर है आपको अगर याद होगा अगर आपने वीडियो देखी थी पहले वाली ये जो घर है हमारा इसमें हमारे जो आ, आ, प्रीमियम गया था राइट तो हमने एक्स्ट्रा पे किए थे क्योंकि इसका बैक बड़ा है इसका लॉट साइज बड़ा है क्योंकि ये कॉर्नर लॉट है सो so, कैनेडा में जो भी घर कॉर्नर पे आ जाता है इनफैक्ट मुझे लगता है कैनेडा नहीं हर जगह यही होगा जो कॉर्नर में लॉट आता है जो घर कॉर्नर में होता है उसका एरिया ज्यादा होता है जब एरिया ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा सो so, इस वजह से हमने थर्टी फाइव थाउजेंड प्रीमियम एक्स्ट्रा पे किया था और बैकयार्ड काफ़ी बड़ा है इस तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एरिया है इस साइड पे ना यहाँ पर ये छोटी सी अलमीरा है इसमें आप सामान रख सकते हैं जैसे ब्रूम रूम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लेकिन मैंने तो किचन का ही सामान रख दिया अभी तो डब्बे वब्बे रख दिए सारे तो धीरे धीरे करके सेटल करूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला इतना और इसके बाद यहाँ से एंट्री हो जाती है लॉन्ड्री रूम की लाइट ऑन कर देती हूँ यहाँ से शायद हाँ हो गई लाइट ऑन और लाइट से याद आया एक और चीज़ कैनेडा में ना घरों में येलो लाइट ज़्यादातर होती है आप देखेंगे कहीं पे भी तो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम थी और हरविंदर को भी बहुत प्रॉब्लम थी हमें था कि वाइट लाइट हो रोशनी जैसे हम इंडिया में यूज़ करते हैं ना तो आँखों पर इतना स्ट्रेस सा नहीं पड़ता तो हमने बिल्डर को कस्टम रिक्वेस्ट करके उसको बोल दिया था कि हमारी सारी येल्लो लाइट्स को रिप्लेस कर देना वाइट लाइट्स के साथ और ये हो जाता है बट डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने सेम घर लिया है सेम मॉडल सेम बिल्डर से बट वो बोलना भूल गए अब उनको खुद से सारी लाइट्स चेंज करनी पड़ेंगी और उसमें उतना खर्चा आएगा राइट सो so, ये भी चीज़ें होती हैं ऐसी चीज़ें कि मतलब आपको पहले से पता हो कि कौन सी रिक्वेस्ट बिल्डर को करनी है तो कई बार क्या पता वो इंक्लूड ही हो जाए तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड हो गया था उस चीज़ में कस्टमाइज़ हमने करा लिया था तो ये है वॉशर और ड्रायर पीछे इनका कनेक्शन है और एक विंडो यहाँ पे भी है और यहीं से हमारी एंट्री हो जाती है गराज में सो गराज में काफ़ी आपको देखेगा थोड़ा सा मैंने आ, आपको पता ही है गराज में अभी शिफ्टिंग की है तो थोड़े से कार्डबोर्ड वगैरह बॉक्सेस पड़े हैं लेकिन ये आ, टू कार गराज है तो इसमें दो गाड़ी आराम से रुक सकती है खड़ी हो सकती है और इन्होंने साथ में जो गराज डोर ओपनर भी दिया है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि यहीं से क्लिक करके ये ओपन हो जाता है सो इट विल टेक इट्स टाइम थोड़ा धीरे धीरे होगा ओपन सो so ऐसे ही ओपन होता है सामने गाड़ी खड़ी है वो हमारी रेंटल गाड़ी है अभी है, एक गाड़ी बुक कर रखी है वो आई नहीं रही इतने टाइम से तो जब वो गाड़ी आ जाएगी तब हम इसको वापस कर देंगे तब तक के लिए रेंटल गाड़ी रहेगी और लाइट वाइट सारी बंद कर दे क्योंकि अब अपार्टमेंट तो है नहीं क्योंकि अपार्टमेंट में तो ये होता था कि चलो कोई बात नहीं यार रेंट ही देना है बिजली का बिल तो भरना नहीं है <laughs> जब आप घर में जाते हैं तो आपके बहुत से बिल ऐड हो जाते हैं बिजली का बिल अलग आएगा पानी का बिल अलग है गैस जो है उसका बिल अलग है ऐसे कोई भी बिल मैं नहीं देती थी अपार्टमेंट में सिर्फ रेंट होता था वाईफाई अलग है और जो वाटर हीटर है जो ए है वो चीज़ें अलग है अब ए जो है उसका हमने रेंट नहीं किया वो हमने बाय कर लिया लोग वो भी कर लेते हैं और जो वाटर हीटर है उसका रेंट भी हो जाता है और लोग बाय भी कर लेते हैं लेकिन वाटर हीटर का हमने रेंट रखा तो बहुत से बिल है इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन जाएगी लेकिन हम होम टूर कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले आते हैं इस एरिया में मेरा फेवरेट एरिया मेरा किचन और ये जो आइलैंड है ये बहुत बड़ा आइलैंड और इसमें सेंक भी नहीं है यूजुअली सेंक वगैरह होता है आइलैंड में तो इसमें सिंक नहीं है क्योंकि सिंक इधर दे रखा है और ये हमने कस्टम मेड मतलब कि एक्सटेंड कराया है ये जो था इसमें एक छोटा सा था मतलब कि सिर्फ दो कुर्सी तक का ही था यहाँ तक का ही था लेकिन इस पर हमारे पाँच हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा लगे हैं जस्ट इसको एक्सटेंड कराने के लिए मेरा बहुत मन था कि मैं एक बड़े से आइलैंड पे मतलब आ, खाना बनाना या फिर कोई आ जाता है तो यहाँ पे खाना लगाना वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो इस वजह से ये मेरा मन था तो इस वजह से इसको एक्सटेंड कराया है इसके अलावा ये सारे कबर्स हैं इस घर में बहुत से कबर्स हैं और यहाँ पर सिंक है और सिंक के सामने आपकी विंडो है और ये पुल आउट फॉसेट वाला सिंक है इसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं अपग्रेड कराने के तो ये होते हैं अपग्रेड्स मतलब बिल्डर आपको नॉर्मल टैप यहाँ पे देगा लेकिन अगर आपको कोई फैंसी या फिर अपने हिसाब से चीज़ चाहिए तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें पे करते हो ये चीज़ें अपग्रेड होती जाती है और के घर की जितना आपको लिस्ट हुआ है घर नए बिल्डर पर उसमें आप आराम से पच्चीस डॉलर तो मान के चलो कि आपको ऊपर अपग्रेड्स में लगने ही वाला है बेसिक बेसिक चीज़ें भी आपको करानी पड़ती हैं सो so, ये चीज़ें हैं अभी यहाँ पे आएगा हमारा गैस और यहाँ पे रेंज हुड लेकिन गैस अभी तक आया नहीं है और गैस काफ़ी लेट हो गया तो ये भी डिपेंड करता है कैनेडा में पता नहीं क्या चिप शॉर्टेज चल रही है सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं हमने बुक कर दिया था गैस जनवरी में और घर की पोजेसन मिली है पच्चीस अप्रैल को लेकिन फिर भी चार महीने हो गए अभी तक गैस नहीं आया अब आप सोचो कि सैंडी खाना कैसे बना रही हो क्या कर रही हो तो हम लोग ये इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए सो इंडक्शन से ही काम चला रहे हैं चल जा रहा है काम लेकिन फिर भी गैस होता तो अच्छा रहता गैस और फिर एक रेंज होड है वो आ गई है उसको इंस्टॉल कराना है वो आज ही डिलीवर हुई है आप गैस की वेट कर रहे हैं और ये हमारा बाहर ही पड़ा हुआ है डिश वॉशर है तो ये अंदर चला जाएगा यहाँ पे बिल्कुल तो अभी वेट कर रहे हैं इंस्टॉलेशन करेंगे और इसको सेट करेंगे ये जो है हमें खुद ऑर्डर करने पड़े क्योंकि ये हमारे घर में इंक्लूडेड नहीं थे बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है कई बिल्डर्स आपको बीच में ही देते हैं अपलायंसेज इंक्लूडेड सो जैसे हमने ये फ्रिज लिया सारे अप्लायंसेज हमने खुद से लिए हैं और इसमें एक अलग सी फीचर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसको नॉक करते तो ऑन हो जाती है सो so काफ़ी बड़ा फ्रिज है सो so एनी अब फ्रिज के बाद हम मूव ऑन करते हैं पेंट्री पे सो so, पेंट्री भी वॉक इन भी आती है लेकिन यहाँ पे पेंट्री इतनी सी है बट ये मुझे सही लगी वॉक इन के अलावा मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि आप सारा सामान वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब इतने ज़्यादा स्पेस है आपके पास और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी कव कबर्ड्स वगैरह दे रखे हैं तो इतनी आपको ज़रूरत ही नहीं है वॉक इन वाली पेंट्री की जब हम यहाँ आते हैं इस साइड हमारी बैक यार्ड है तो बैक यार्ड आपको खोल के दिखा देती हूँ तो जब ये सेट हो गया उसके बाद बिल्डर ही यहाँ पर ग्रास वगैरह लगा के देगा और यहाँ से हमारी जो है Uh, नीचे स्टेयर्स वगैरह बन जाएंगे अभी इन्होंने बंद कर रखा है इस चीज़ को तो यहाँ से स्टेयर्स बन जाएंगी और इसके बाद बस यहाँ पे तो यही है वो साथ वाला घर है वहाँ पे तो एनी ये हमारा हो गया किचन का किचन के बाद हमारा एवरी थिंग भी कवर्ड एट द ग्राउंड फ्लोर उसके बाद हम चलते हैं ऊपर ऊपर हमारे कमरे कितने हैं इसमें फोर बेडरूम ऊपर है और एक बेडरूम हमारा बेसमेंट में है पहले ऊपर वाला सेक्शन कवर करते हैं तो ये जो एरिया है इसमें आप देखेंगे कि ऊपर छत नहीं है ये ऊपर तक ओपन है तो ये भी बहुत अच्छा लुक आता है घर का और ओपन ओपन बड़ा बड़ा खुला खुला सा लगता है राइट तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ पे इसी वजह से एक शेंडलेयर लगा हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं मैं सोच रही हूँ कि इसको बाद में चेंज कर देंगे जब सेटल हो गए तो कुछ थोड़ा बड़ा वाला शेडलेयर लगाएंगे और ये यहाँ पे इसलिए

आपका बिल्डर आपको खुद ठीक करके देगा टाइम होता है जैसे पहले तीस दिन आपको कुछ भी दिखता है ऐसा तो आप वहाँ पे टेप लगा दो और आप बता सकते हैं वारंटी कवर होती है घर की जैसे आई गेस सो सात साल की वारंटी है घर की हमारे अभी तीस दिन तो नहीं हुए हैं एक एक हफ्ता ही हुआ है आई बिलीव सो तो जैसे ही तीस दिन होंगे हम ये सारी लिस्ट उनको बना के भेज देंगे कि भाई ये ये चीज़ें खराब है अब चलते हैं हम ऊपर तो ऊपर आते ही पहले ही एक विंडो आ जाती है यहाँ पर और इस विंडो पे सबसे पहले तो मेरा प्यारा सा प्लांट पिंक कलर का इसको जितनी धूप मिलती है उतना पिंक होता जाता है लेट्स कंटिन्यू द होम टूर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है फ़र्स्ट रूम और इस पे अभी बेड वगैरह नहीं लिया तो मैंने वैसे ही गद्दा लगा दिया था तो ये इसको सोच रहे हैं कि गेस्ट रूम बना दें और इसमें भी काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर का तो ये विंडो वगैरह सब ओपन हो जाती है और ये वाला रूम ऐसा है कि मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये मास्टर बेडरूम नहीं है मास्टर बेडरूम में भी दिखाऊंगी उसमें मुझे खिड़की थोड़ी छोटी लगी बट इसमें बहुत बड़ी सी खिड़की है और ये वार्ड्रोब जो है ये सारी रूम्स में दे रखी है उन्होंने साथ में सो काफ़ी खुली है काफ़ी स्पेशियस है ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी तो ये है सेकेंड रूम सेकेंड रूम है जी हरविंदर का ऑफिस अभी के लिए तो यही बनाया इनका ऑफिस है तो यहाँ से बाहर दो दो विंडोज़ हैं यहाँ पे भी तो वही मैंने आपको बताया था कि इतनी खिड़कियाँ हैं अब इतना बड़ा कोर्ट मिला है हमें ब्लाइंड्स का भी ब्लाइंड्स लगवाना है यहाँ पे सब कुछ और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है ये थोड़ा छोटा रूम है लेकिन ऑफिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ऑफ़िस के लिए काफ़ी कोजी स्पेस है और यहाँ पे भी वार्ड है अब हम चलते हैं हमारे तीसरे रूम में और यहाँ से हमारा देखो ऊपर से ओपन लगता है पूरा लिविंग रूम यहाँ से दिख रहा है बहुत अच्छा सा व्यू ओपन ओपन आता है तो खुला खुला लगता है घर बंद नहीं लगता सो so, अब आगे जी हम हमारे ऑफिस में ये मेरा ऑफिस है और ये मेरा लैपटॉप ये मेरा स्टैंडिंग डेस्क यहीं पे बैठ के मैं ज़्यादातर काम करती हूँ काफ़ी टाइम यहीं पे निकल जाता है और ये है छोटी सी विंडो यहाँ पे और एक विंडो इधर है और एक अलमीरा यहाँ पे है जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर रूम में आपको वार्ड तो दी गई है और ये हो गए तीन रूम हमारे इसके साथ ही जो हमारा वॉशरूम है इन जो दो तीन रूम है इनका जो वॉशरूम है वो यहाँ पे है ये वाला वॉशरूम बहुत बड़ा है ये फुल वॉशरूम है जैसे कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था ग्राउंड फ्लोर पे हाफ वॉशरूम था उसमें नहाने का नहीं था उसको हाफ बोलते हैं इसमें नहाने के लिए टब भी है सो तो कैनेडा में आपको टब मिलता है सो तो बाथ टब इसको बोलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनका मुझे कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि यहाँ पे आप ये वाली चीज़ें भी रख सकते हो तो ये बाथ टब मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये पूरा मुझे लगता है पूरा ये सेटअप सा ही है इसमें ये चीजें आप रख सकते हो साथ में और काफी बड़ा मिरर और काफी ड्रॉर्स भी हैं यहाँ पे इस वॉशरूम के बाद लेट्स मूव ऑन टू द मास्टर बेडरूम मास्टर बेडरूम जो होता है उसको मास्टर बेडरूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है आपको पता होगा अब मास्टर बेडरूम में भी अभी बेड वगैरह लेना है तो किंग साइज ये मैट्रेस है ये मैट्रेस यहाँ पे लगा रखी है और यहाँ पे दो विंडोज है एक विंडो ये वाली है और ये एक विंडो ये वाली है इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं वॉशरूम पे ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस वॉशरूम पे तो बहुत ज़्यादा हमने स्पेंड किया है तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि इसमें दो सिंक है अब हम लोग लड़ेंगे नहीं दोनों ने अगर एक टाइम पे ब्रश करना है तो अपना यूज कर सकते हैं सो so, दो सिंक है यहाँ पे काफ़ी बड़ी यहाँ पे कबर्ड स्पेस है दो सिंक की वजह से पूरा बड़ा यहाँ पे मिरर है और इसमें ये ग्लास वाला शावर है इसमें आपको बाथटब जैसा नहीं है इसमें हमने एक चीज़ अपग्रेड कराई है इस चीज़ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं इस वाली चीज़ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं और और शावर के अलावा ये पूरा जो है बाथरूम का सेटअप ही हमने अपग्रेड कराया था क्योंकि इसमें भी वही मिल रहा था जो मैंने आपको पिछले वाले वॉशरूम में दिखाया था कर्टन के साथ बाथट राइट लेकिन ऑफ़कोर्स मास्टर बेडरूम है तो अपग्रेड कराना तो बनता ही था और मुझे एक रूम में तो ऐसा चाहिए था कि जिसमें ग्लास वाला शावर हो थोड़ा डिफरेंट हो राइट कर्टन्स वगैरह ना हो तो ये चीज़ पूरी अपग्रेड कराइए इसके एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं तो ऐसे ऐसे करके अपग्रेड लगाते जाते हैं और बिल्डर पैसे बनाते जाते हैं अपने अपने जब भी आप नया घर लेंगे तो ऐड हो जाएंगी चीज़ें करते ही और यहाँ पे आ गई ये वाली खिड़की वॉशरूम में भी खिड़की दे रखी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ब्लाइंड का खर्चा आएगा लेकिन आई एम ग्लैड क्योंकि खिड़की का थोड़ा सा रोशनी आती है तो अच्छा लगता है बंद बंद नहीं लगता वॉशरूम के बाद अब हम जाते हैं वॉक इन क्लोजिट में सो so, जो मास्टर बेडरूम होता है ना उसमें आपको वॉक इन क्लोजिट मिलती है मतलब कि बड़ी वाली क्लोज़ेट मिलती है जिसमें आप वॉक कर सकते हैं सो so, ये है हमारी वॉक इन क्लोजिट इसमें हमने कपड़े रख रखे हैं अपने धीरे धीरे इसको और सेटल कर लेंगे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक मिरर लगा लूंगी इस वॉल पे और छोटा मोटा कोई बैठने के लिए टेबल तो ये और अच्छा हो जाएगा सो so, काफ़ी बड़ी क्लोज़ेट है हमारे अपार्टमेंट में तो छोटी सी थी अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें बहुत दिक्कत थी सो वॉक इन क्लाज का यही फ़ायदा है कि आराम से आप कितने मर्जी कपड़े रख सकते हो यहाँ पर इनफैक्ट ये छोटा सा रूम ही बोल सकते हैं आप इसको तो so, ये छोटा सा रूम ही है और ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर चलो जी अब चलते हैं बेसमेंट तो यहाँ से हमने होम टूर स्टार्ट किया था यहाँ से हमने एंट्री की थी सो so, एंट्री के बाद हमने लिविंग रूम ये सारी चीज़ें कवर की उससे पहले ही बेसमेंट के लिए रास्ता आता है तो यहाँ से हम बेसमेंट जा सकते हैं और ये वाली जो सीढ़ी है ये सीधा आपको ऊपर लेके जाती है और ये वाली आपको नीचे लेके जाती है सो so, यहाँ से हम लाइट ऑन कर लेते हैं so, सो यहाँ से बेसमेंट की एंट्री है ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी कि यहाँ पे मैं कोई सीनरी वगैरह लगा सकती हूँ सबसे पहले लाइट ऑन और इस बिल्डर की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने ना लाइट्स वगैरह बहुत दी है तो ज्यादा हमने लाइट्स पे अपग्रेड नहीं कराया मतलब लोगों को लाइट्स पे भी अपग्रेड कराना पड़ता है यहाँ पे जितनी आप पॉट लाइट्स देख रहे हैं ये सारी पॉट लाइट्स इंक्लूडेड है और ये दो लाइट आप देख रहे हैं जनरली बिल्डर क्या करता है एक लाइट दे देता है आपको यहाँ पे राइट दो लाइट्स और इतनी पॉट लाइट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए पे नहीं किया विच इज़ गुड और सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है वॉशरूम बेसमेंट में भी एक वॉशरूम है फुल वॉशरूम है से कोई भी बेसमेंट में रह सकता है और इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ रूम में ये हमारा बेसमेंट का पूरा लिविंग रूम था बड़ा सा सो so, ये पूरा लिविंग रूम है और लिविंग रूम के साथ यहाँ से एंट्री होती है रूम के लिए तो बेसमेंट में एक रूम भी है जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइव बेडरूम हमारा है पूरा घर तो चार बेडरूम ऊपर थे ये जो है बेडरूम ये नीचे है ये काफी बड़ा है इसमें खिड़की है अब बेसमेंट जनरली क्या होता है आपको ना बंद बंद सा लगता है जब आप बेसमेंट में रहती हो लेकिन खिड़कियाँ वगैरह प्रॉपर हों तो आपको पूरा डे टाइप ही लगता है तो यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आती है एक खिड़की यहाँ है दो लिविंग रूम में बाहर तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग रहती है सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और इसके बाद यहाँ पर भी पूरी अपनी क्लाजिट है यहाँ पर तो so, जैसे ही हम बेसमेंट के इस रूम से बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक और रूम अब आप बोलेंगे सैंडी पांच कमरे तो कवर हो गए पांच बेडरूम बोला था लेकिन ये जो रूम है इसमें इनका सारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एच सिस्टम जो होता है ना वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं इसमें काफ़ी ताम होता है मैं आपको दिखाती हूँ सो so, इसको आप यूज़ तो कर सकते हैं जैसे सामान वग़ैरह रख सकते हैं काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर मी टर्न ऑन द लाइट ये देखो ये पूरी चीज़ें इन्होंने दे रखी है हम धीरे धीरे सीखेंगे इनमें से कोई चीज़ मेंटेन कैसे करनी है फ़िल्टर वगैरह कैसे चेंज करने हैं ये सारा एच सिस्टम है जो कैनेडा में ठंड वगैरह होती है ना तो उसके लिए हीटिंग सिस्टम होता है वो सारा यही है इसको फर्नेस बोलते हैं और ये इसकी मेंटेनेंस करना ज़रूरी है इसके फ़िल्टर्स वग़ैरह यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये फ़िल्टर है इसको निकाल के चेंज करना टाइम टू टाइम और एसी वग़ैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से गैस का कनेक्शन जाएगा और थोड़े से हमने बैग वहाँ पे रख दिए लेकिन ये पूरा जो आप ऊपर देख रहे हैं ये पाइपें वाइपें इन्होंने लगा रखी हैं ये पूरे ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम होता है कि सारी चीज़ें चीज़ें लगा के मैं तो डरी जाऊँ देख के बट ये भी एक रूम टाइप सा है यूज़ तो नहीं होगा लेकिन इसमें सारी चीज़ें ये हैं इसमें थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं इस वाले रूम के बाद इट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी एक और रूम रहता है और वो अनफिनिश्ड है जैसे कि आपने देखा होगा कि बेसमेंट में हमने रूम कवर कर लिया वॉशरूम लिविंग रूम किचन हम बना सकते हैं किचन इस बिल्डर ने नहीं दिया तो उसके लिए एरिया है उसको अनफिनिश्ड एरिया बोलते हैं तो so, ये था जी हमारा होम टूर अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि घर की वैल्यू कितनी है घर कितने का बाय किया था आप so, सो घर जो हमने बुक किया था वो ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो गया अप्रोक्सीमेट आई गेस तो इससे भी ज़्यादा हो गया मैंने वीडियो डाली थी सो so, घर um, की उस टाइम पे वैल्यू थी विद एवरी अपग्रेड बेसमेंट भी फिनिश कराई है उसके एक्स्ट्रा पैसे लगे थे तो सारी चीजें मिला के जो घर आपको शो किया है इसकी हमारे पूरी टोटल कॉस्ट पड़ी है सेवन हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड डॉलर इसमें डाउन पेमेंट भी करी है उसके बाद मॉर्गेज रिमेनिंग अमाउंट पे हुई है मॉर्गेज जो है अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जा चुकी है जब हमने घर बुक किया था उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे 1.5 से लेके 1.8 परसेंट तक आराम से लोगों को मिल रहा था तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत घर बुक किए हैं लेकिन हमारे घर की जो पोजेशन थी वो दो साल बाद थी जब तक हमें पोजेशन मिली है तो घर के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ चुके हैं 1.89 से कहीं जाके पाँच छः परसेंट पहुँच चुका है सो so हमने की है घर की मॉर्गेज फिक्स्ड फॉर थ्री इयर्स क्योंकि जो फिक्स्ड था उसका इंटरेस्ट रेट कम था एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल अगर हम वेरिएबल करा रहे थे तो हमारा जा रहा था 5.6% परसेंट और हमने कराया है फिक्सड फॉर थ्री ईयर्स और हमें मिला है 4.75% परसेंट और घर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो घर की वैल्यू अभी हमारे साथ का सेम मॉडल इसी रोड uh, पे इसी स्ट्रीट पे सेल हुआ है और उन्होंने उनकी बेसमेंट भी फर्निश नहीं थी और उनका ये जो आईलैंड था इस पर भी अपग्रेड नहीं था वो छोटा ही था जैसे मैंने आपको बताया तो वो घर उन्होंने सेल किया ऑलमोस्ट एट लैख सिक्सटी थाउजेंड का जिसमें बेसमेंट वगैरह भी नहीं है सो उन्होंने ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने तो और भी सस्ता लिया होगा क्योंकि बेसमेंट में ही हमारे तीस चालीस हज़ार डॉलर लग गए थे अपग्रेड कराने में और इस चीज़ में पाँच हज़ार लग गए थे तो उस हिसाब से रेट भी बढ़ गए हैं काफ़ी प्रॉपर्टीज के और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है मतलब ये चीज़ मुझे लगी कि यार अनअफोर्डेबल सी होती जा रही हैं चीज़ें लेकिन फिर भी जितनी जल्दी रियल एस्टेट ले लो अपना तो उतना ही बेटर रहता है और जिस हिसाब से इमिग्रेशन आ रही है यहाँ पे उस हिसाब से तो आपको पता ही है डेट सेट गाइज ये था हमारा होम टूर आई ट्राई टू कवर एवरी सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की हैं Uh, इसके अलावा बाकी बिल्स वगैरह कितने आते हैं जैसे मैंने आपको बताया घर का खर्चा कितना बनता है ये सारी इस चीज के ऊपर वीडियो जो है वो नेक्स्ट लेके आएंगे जब सारी बिल्स आ गए सो दैट्स इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप आपको होम टूर अच्छा लगा होगा तो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है होम टूर अच्छा लगा है हमारा पहला घर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को एंड ऑल्सो कॉमेंट की कहाँ पे हम क्या क्या सेटअप करें धीरे धीरे सजाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कोई फीडबैक है कोई सजेशन है प्लीज़ मैंशन दैट इन द कॉमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्पेशली थैंक्स फॉर ऑल योर विशेज मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय